नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है गुरु की मेहरबानी। मैंने एक आदमी से पूछा कि गुरु कौन है। वो सेब रखा रहा था। उसने एक सेब मेरे हाथ में देकर मुझे से पूछा, इसमें कितने बीज है बता सकते हो। सेब फाड़ कर मैंने गिनकर कहा, 3 बीज है। उसने एक बीज अपने हाथ में लिया और फिर पूछा, इस बीज में कितना सेब है यह भी सोच कर बताओ। मैं सोचने लगा, यह बीज से एक पेड़ से अनेक सेब, अनेक सेबों में फिर 3 बीज, हर बीज में फिर एक एक पेड़, और यह अनवरत क्रम। वो मुस्कुराते हुए बोला, बस इसी तरह परमात्मा की कृपा हम प्राप्त होती रहती है। बस हमें उसकी भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा लेने की जरूरत है। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मूर्धक है जिसके बजते ही अनहद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही 5 शरीर एक हो जाते हैं। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो बहु सागर पार हो जाते हैं। गुरु वो नंदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। गुरु वो सत्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही अंग अंग थिरकने लगता है। गुरु वो अमृत है जिसके पीकर कोई कमी प्यासा नहीं रहता है। गुरु वो मृदुग है जिसके बजते ही सोहम नाथ की झलक मिलती है। गुरु वो कृपा ही है जो सिर्फ कुछ शब्द शिष्यों को विशेष रूप में मिलती है और कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते है। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु वो प्रसाद है जिनके भाग्य में हो उसे कभी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।